दोस्तों नमस्कार। आपसे हम नए नए टॉपिक्स के साथ जुड़ते रहते हैं, तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं कि स्टीरॉयड लेने से फिमोरल हेड में यानी हिप जॉइंट में एवीएन क्यों हो जाता है। ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है, बहुत सारे हमारे पेशेंट आते हैं जिनकी हिस्ट्री होती है कि उन्होंने किसी न किसी डिजीज़ के लिए पहले स्टीरॉयड लिया होता है। कुछ यंग बच्चे आते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टीरॉयड लेते हैं, तो अलग अलग हिस्ट्री रहती है, लेकिन एंड रिजल्ट होता है एवीएन, जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि स्टीरॉयड बॉडी के अंदर ऐसा क्या चेंज करता है, फिमोरल हेड के अंदर ऐसा क्या इफेक्ट डालता है कि ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, हेड कोलैप्स कर जाता है और जॉइंट खराब हो जाता है। आपने बहुत सारे हमारे वीडियोज में देखा होगा कि एवीएन के पेशेंट कितने परेशान होते हैं, उनको कितनी डिफिकल्टी आती है डेली एक्टिविटीज में। तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि ये क्या बीमारी है, क्यों होती है, कैसे होती है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टीरॉयड से एवीएन कैसे होता है, इसके लिए हम कुछ बेसिक चीजें पहले समझ लेते हैं। पहली चीज, स्टडीज में बताया गया है कि 3-40% पेशेंट जो स्टीरॉयड लेते हैं उनको एवीएन होने का चांस। दूसरी चीज, आपको एवीएन कब होता है, जब आप बहुत हाई डोज लेते हैं, चाहे एक शॉर्ट पीरियड के लिए लें, लेकिन अगर आपने हाई डोज ली है तो आपको चांसेस हैं कि एवीएन होगा। अगर आप लो डोज ले रहे हैं, यानी कि सालों तक आप दवाई ले रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं, तो भी आपको एवीएन हो सकता है। यानी कि टोटल डोज कितनी गई है स्टीरॉयड की, उस पर डिपेंड करता है कि आपको एवीएन होगा कि नहीं होगा। स्टीरॉयड कई तरह से लिया जाता है, ओरल यानी कि टैबलेट्स के रूप में, आईवी यानी कि आप इंजेक्शन ले रहे हैं स्टीरॉयड के, इंट्रा आर्टिकुलर जैसे कि घुटने या कंधे में हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, इनहेलर जैसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं, पफ लेते हैं, ऐसे भी स्टीरॉयड लिया जाता है, टॉपिकल जैसे स्किन डिजीज में जो क्रीम्स होती हैं जो हम लगाते हैं स्किन के ऊपर, ऐसे भी स्टीरॉयड लिया जाता है, और इन सब से आपको एवीएन होने के चांसेस हैं। हम एवीएन के पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो हम ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि आपने स्टीरॉयड कब तक लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट पार्ट होता है हिस्ट्री का। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको स्पेशल रिस्क होता है कि उनको एवीएन होगा। ये पेशेंट होते हैं एसएलई के पेशेंट, एएलएल के पेशेंट एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट। ये वो डिजीज होती हैं जिनमें स्टीरॉयड देना मस्ट है, स्टीरॉयड उनके ट्रीटमेंट का एक अहम हिस्सा है, उसके बिना इनमें इलाज इनका नहीं हो सकता। लेकिन यही पेशेंट वो हैं जिनमें एवीएन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। एसएलई मींस सिस्टमिक ल्यूपस रिमेटोसिस, एएलएल मींस एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट मींस वो पेशेंट जिनको किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और उनको स्टीरॉयड डेली लेना ही पड़ता है ताकि उनका ट्रांसप्लांट रिजेक्ट ना हो। तो ये वो पेशेंट हैं जिनको खास तौर पर अलर्ट रहना पड़ता है कि वो स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उनको अगर हिप में पेन होता है, ग्रॉइन में पेन होता है, तो उनको डॉक्टर से जल्दी सलाह लेनी चाहिए। तो बेसिक पैथोलॉजी क्या होती है एवीएन में? सबसे पहले जो फिमोरल हेड होता है, जो हमारा हिप जॉइंट है, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और बॉडी में जब भी किसी बॉडी पार्ट की ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसकी डेथ हो जाती है, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। हमारी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं नेक्रोसिस। इसीलिए इस बीमारी का नाम है एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो ब्लड सप्लाई कम होती है, बोन की डेथ हो जाती है। जब बोन की डेथ होती है तो हड्डी कमज़ोर हो जाती है, हिप जॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का वेट पड़ता है और उसकी वजह से उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं छोटे छोटे, जो एक्सरे में कोलैप्स की तरह दिखाई देते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है और फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टीरॉयड की जो मैकेनिज्म है, पैथोजेनेसिस है जो बोन के अंदर, जिसकी वजह से एवीएन होता है, उसको समझने के लिए हमें पहले एक नॉर्मल फिजियोलॉजी, बोन की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, बोन के एनवायरनमेंट को, बोन के मेटाबॉलिज्म को, कैसे चीज़ें कंट्रोल होती हैं बोन के अंदर, वो समझना पड़ेगा। तो बोन में बेसिकली क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन के फाइब्रिल्स होते हैं इस तरह से, जो क्रिस क्रॉस होते हैं, और इनके अंदर इस तरह से कैल्शियम और फॉस्फेट, जिसको मिनरल्स कहते हैं, ये ऐसे डिपॉजिट होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंक्रीट का एक पिलर होता है, उसमें क्या होता है,
कि बीच में लोहे के सरिये होते हैं, मैश होती है लोहे की, और चारों तरफ हम कंक्रीट और सीमेंट बना डाल देते हैं, तो उससे बोन स्ट्रॉन्ग, जो पिलर है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो इसी तरह नेचर ने बोन भी ऐसे ही बनाई है कि उसमें बीच में प्रोटीन फाइब्रिल्स हैं और चारों तरफ ये कैल्शियम और फॉस्फोरस यानी कि जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल बोन है। अब इस सारे एनवायरमेंट को, प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, इनको कैसे रेगुलेट करती है बॉडी, क्योंकि बोन एक लाइव स्ट्रक्चर है, ये कंक्रीट का पिलर नहीं है कि एक बार बना दिया और वैसे रहेगा, तो ये एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। तो इस एनवायरमेंट को, इस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं। तो इसमें ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लड वेसल्स एंड फैट सेल्स, ये चार मेजर चीज़ें होती हैं जो हमारी बोन की डायनेमिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। तो इनका फंक्शन मैं पहले आपको बताता हूँ। ऑस्टियोब्लास्ट, इनका काम होता है ये जो कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये जो मिनरल्स है, इनको डिपॉजिट करना, यानी ये हड्डी को मजबूत बनाती हैं। जब ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव होती हैं तो ये ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डी के अंदर डिपॉजिट करती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का काम इससे उल्टा होता है, ये मिनरल्स को हटाती है। अब हम सोचेंगे कि हमें मिनरल्स को हटाने की क्या जरूरत है, उससे बोन कमजोर हो जाएगी, लेकिन हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो एक डायनेमिक स्टेज में रहते हैं। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के जितने भी सेल्स हैं वो हर हफ्ते, हर महीने रिन्यू होते रहते हैं, यानी पुरानी सेल्स की डेथ होती रहती है, पुराने पार्ट डेड होते रहते हैं और उनकी जगह नया पार्ट आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन है, ये पूरे महीने में आपके पूरी बॉडी की स्किन नई बन जाती है। जितनी पुरानी सेल होती है उनकी डेथ हो जाती है, उनको हटा दिया जाता है और उनकी जगह नई सेल आती है। तो इसी तरह बोन में भी जो पार्ट पुराना हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट पुराना हो गया है, तो ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ आकर इस पूरे एरिया को क्लीन कर देंगे, यानी कि इस जगह को खाली कर देंगे। तो जब ये जगह खाली होगी तो फिर ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ आकर नई बोन बना देंगे। तो ये ऑन एंड ऑन पूरी लाइफ चलता रहता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग सबसे, अगर आप कभी एग्जांपल देखना चाहें तो वो होता है फ्रैक्चर में। जब हड्डी टूटती है तो क्या होता है कि कुछ पार्ट डेड हो जाता है जहां पर चोट लगती है, तो ऑस्टियोक्लास्ट आकर उस एरिया को साफ कर देती हैं और ऑस्टियोब्लास्ट आकर वहां पर नई बोन बनाती हैं और हड्डी जुड़ जाती है। तो ये प्रोसेस हमारी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। अब ये जो मिनरल, ये जो डेड मटेरियल जा रहा है और नया मिनरल्स आ रहे हैं बोन बनाने के लिए, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ब्लड वेसल्स की, क्योंकि ब्लड वेसल्स डेड मटेरियल को वापस ले जाएंगी और नया कैल्शियम और फॉस्फोरस उसको लेकर आएंगी। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होंगी तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट अपना एक्शन नहीं कर पाएंगी। अब बात रही फैट सेल्स। बोन के अंदर कैल्शियम, मिनरल्स और प्रोटीन के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी फैट सेल्स भी होती हैं। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टीरॉयड में जो ब्लड सप्लाई कम होती है वो फैट सेल के थ्रू भी उसका एक इम्पोर्टेंट एक्शन होता है, तो इसलिए हम फैट सेल की बात कर रहे हैं। ओके, ये है नॉर्मल। अब स्टीरॉयड क्या करता है, स्टीरॉयड कैसे ब्लड सप्लाई को बंद करता है, तो इसको हम देखते हैं कि चारों फैक्टर्स के ऊपर स्टीरॉयड का क्या रोल रहता है। नंबर वन, ऑस्टियोब्लास्ट। स्टीरॉयड ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, स्टीरॉयड ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तीसरी चीज, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को स्टीरॉयड कम करते हैं और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड आता है बोन के अंदर उसकी सप्लाई को कम कर दिया जाता है। फैट सेल्स, फैट सेल्स में स्टीरॉयड क्या करते हैं, इनका नंबर और साइज दोनों बढ़ जाते हैं। यानी अगर मान लो इतनी बोन में 100 फैट सेल्स हैं तो स्टीरॉयड की वजह से इसमें 500 फैट सेल हो जाएंगी, प्लस जो फैट सेल छोटी छोटी थी अब वो बड़ी बड़ी फैट सेल बन जाएंगी। तो ये चारों चीज़ों को स्टीरॉयड अफेक्ट करता है और अल्टीमेटली बोन की डेथ होती है और नेक्रोसिस होता है। एग्जैक्टली कैसे कैसे होता है वो हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे।